तो गाइज ये मेरे पास है वन प्लस का बर्ड्स जी। अभी मैंने इसको रिसेंटली खरीदा है, मतलब 5-6 दिन से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। पूरा रिव्यू करूँगा और बताऊँगा कि आपके लिए अगर आपको 3,000 रुपये के अंदर कोई TWS लेना है तो ये कैसा है, क्योंकि काफ़ी सही है और अमेज़ॉन पे इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। 4 स्टार की रेटिंग है, लगभग 1500-1600 लोगों ने रेट किया है, मतलब अच्छी सेलिंग हो रही है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं क्योंकि रेटिंग भी अच्छी है। तो मैं मेरा फीडबैक बताऊंगा कि मुझे 5-6 दिन यूज़ करने में कैसी लगी, पूरी डिटेल बताऊंगा। एक काम करो, तो सबसे पहले आप इसका बॉक्स देखो, बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलता है। अभी बात करते हैं स्पेक्स के बारे में। तो सबसे पहले तो इसमें आपको 10 mm का ड्राइवर मिलता है, मतलब 10 mm का ड्राइवर मिलता है। 20 hr का बैटरी बैकअप है, जिसमें से 15 घंटे इसका केस का, 5 घंटे इसके बर्ड्स का। इसी के साथ इसमें IP55 का सपोर्ट है, मतलब ये वाटर रेसिस्टेंट भी है और स्वेट रेसिस्टेंट भी है, और ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, मतलब कनेक्टिविटी भी ठीक ठाक रहने वाली है। तो ये तो हो गया भाई नॉर्मल स्पेसिफिकेशन जो कि हमें देखने को मिलता है। अब बात करें एक्चुअल में कैसा है। पहले बात करते हैं इसके मटेरियल की और क्वालिटी की या फिट एंड फिनिश की। तो जो ईयरबड है ना, ये मुझे अच्छे लगे, इनकी जो क्वालिटी है, जो ये टिप्स है इसकी भी क्वालिटी देख लो, चाहे पूरी जिनकी फिनिश है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। ग्लॉसी फिनिश में है, यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसा जेक्स्चर है जो कि टच कर सकते हो आप ऐसे, तो ये इसकी फिनिश सही लगी। इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। और जो केस है, केस भी मुझे सही लगा, केस की साइज़ थोड़ी सी मुझे बड़ी लग रही है, बट ठीक है, आप देख सकते हो ऐसे ये है कुछ एग्जैक्ट साइज। यहाँ पे वन प्लस की ब्रांडिंग है, यहाँ पे देखो टाइप सी चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे एक आपको स्विच भी मिलती है, इससे आप ना अगर आपको किसी नई डिवाइस में पेयर करना हो तो इसके थ्रू आप लॉन्ग प्रेस करके कर सकते हो। यहाँ पे देखो एक लाइट मिलती है जो कि आपको दिखाती है चार्जिंग वगैरह सब कुछ, यहाँ से आप देख सकते हो। और इसको ओपन करोगे तो देखो ऐसे कुछ प्लेसमेंट रहती है यहाँ पे ईयरबड्स की। और यहाँ पे जो हिंज है ना, हिंज सही है, हिंज में दिक्कत नहीं है, प्लास्टिक का ही हिंज लग रहा है मुझे। बट जैसे अगर बंद हो जाता है ना, तो बंद होने के बाद देखो ऐसे अगर मैं करता हूँ तो थोड़ा थोड़ा सा ये मूव होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे, बट मैंने ये चीज़ फील करी तो मैंने आपको बताया। इसी के अलावा पीछे यहाँ पे देखो कुछ डिटेल लिखी हुई है, सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। केस के अंदर आपको बर्ड्स रखना है तो वो भी बहुत ईजी है, जैसे आप यहाँ पे देखो ये ऐसे रखोगे, ये मैग्नेटिक होते हैं, पूरे अंदर चले जाते हैं, तो इसकी दिक्कत नहीं होती, ऐसे निकलते भी नहीं है। और यहाँ पे लेफ्ट राइट मेंशन भी है, तो वो आपको समझ आ जाएगा कौन से लेफ्ट कान पे जाएगा, कौन सा राइट कान पे जाएगा। मेरे हिसाब से फिट एंड फिनिश जो क्वालिटी है जो, वो बहुत अच्छी है, यहाँ पे मुझे कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं लगा। और जब आपको ओपन करना होता है, मान लो आप अंधेरे पे रखे हो, तो ओपन करना भी आपको आसान होता है, ऐसा नहीं कि आप ढूंढते रह जाओगे किधर से ओपन करना है, इजिली आप ऐसे यहाँ पे देखो ना ऐसा कुछ ये है, तो ऐसे आप इसको पकड़ के इजीली ओपन कर सकते हो। तो क्वालिटी वाइज, फिट एंड फिनिश वाइज मटेरियल मुझे सही लगा, प्लास्टिक का है पूरा, कहीं भी हिंज में भी आपको मेटल देखने को नहीं मिलता। और हाँ, इसको खरीदने की जो लिंक है ना, बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप खरीद सकते हो, अमेजोन पे अवेलेबल है, वहाँ से आप सर्च कर लेना, लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। अभी बात करें कि साउंड का एक्सपीरियंस कैसा है। तो पहले बात करें जो इसकी फिटिंग कैसी है कान पे, तो देखो ये फिटिंग में मेरा बताऊं तो मुझे फिटिंग में कभी भी दिक्कत नहीं लगी। मैंने इसको लगाया और उसके लगाने के बाद मैंने वर्कआउट किया, रनिंग करी नॉर्मल, तो कोई भी दिक्कत नहीं होती, इजीली दोनों ही कान पे आ जाते हैं, ये आप देख सकते हो, और देखने में भी काफ़ी सही लगते हैं, और आप कुछ भी कर लो ये निकलते नहीं हैं, तो फिटिंग कान में काफ़ी अच्छी है। साउंड क्वालिटी की बात करते हैं तो साउंड बहुत अच्छा लगा मुझे गाइस, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इस प्राइस पॉइंट पे इसका साउंड मुझे एक नंबर लगा। और हालांकि बेस थोड़ा सा आपको कम मिल सकता है, मतलब बेस में आपको लगेगा कि थोड़ा सा और बेस होना चाहिए, लाउडनेस अच्छी है, बट जब आप बहुत लाउड करते हो ना, क्योंकि बेस थोड़ा सा कम है, तो वो आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकती है। बाकी अगर आप नॉर्मल गाने सुन रहे हो, क्रिस्पी बहुत है साउंड इसका, मतलब नॉर्मल सॉन्ग सुनते हो ना, आपको बहुत ज़्यादा बेस नहीं पसंद है, फिर आपके लिए बेस्ट है भाई, मतलब बहुत सही रहता है। आप गाने सुन रहे हो, नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हो, तब भी सही है, लेकिन आपको ऐसा ना बहुत ज़्यादा आपको बेस चाहिए किसी भी गाने सुनते टाइम, फिर ये थोड़ा सा आपको लैग कर सकता है। बाकी आप देख सकते हो ओवरऑल जो साउंड है काफ़ी बेहतर है। कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बर्ड्स इसमें रखे होते हैं ना, अगर मैं इससे निकालता हूँ
और ऐसे मतलब निकालते से ही मेरे फोन से कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं गाइस। जबकि यहाँ पे मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा फोन वन प्लस का ही है, मेरा फोन है गैलेक्सी S10 लाइट जो कि सैमसंग का है, तो इससे मैं गाने सुनता हूँ तो कनेक्ट होने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, बहुत ईजिली कनेक्ट हो जाता है। अगर आप दूसरे डिवाइस में भी कनेक्ट करना चाह रहे हो तो इससे डिसकनेक्ट करके आप बहुत ईजिली कर सकते हो, पेयर होने में भी दिक्कत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट टाइम किसी डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हो, फिर भी बहुत ईजी होता है, मतलब कनेक्टिविटी में कोई भी दिक्कत नहीं है। रेंज की बात करते हैं, तो देखो रेंज में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि देखो अगर आप जिम में हो, जिम का एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत बड़ा सा स्पेस है, ओपन स्पेस है, 2000-3000 स्क्वायर फीट का पूरा ओपन स्पेस है, तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि 2000 स्क्वायर फीट तक अच्छी खासी रेंज मिल जाती है। लेकिन यहीं पर अगर आप रूम में हो, आपने एक फोन एक रूम पे अपना फ़ोन रख दिया और आप दूसरे रूम पे तीसरे रूम पे टहल रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लग सकता है कि भाई कनेक्शन जो है फेल हो रहा है। मैंने क्या फील किया, मैंने एक हॉल पे रख दिया फ़ोन और मैं बाहर टहलने चला गया, पास में ही लगभग कितना रहा होगा 20-25 फीट, तो उतने में जब मैं मूव होता था, अगर मैं घूम रहा हूँ ऐसे ऐसे, तब कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब होता था। बाकी नॉर्मल आप एक जगह स्टे हो जाते हो ना, बिल्कुल खड़े हो जाते हो, फिर अगर एक बार कनेक्शन हो चुका है तो फिर दिक्कत नहीं होती। कॉल क्वालिटी की बात करें तो फ़ोन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऑडियो सामने वाले को अच्छी मिल जाती है, उसमें दिक्कत नहीं है। आप अगर फ़ोन कॉल रिसीव कर रहे हो तब भी आपको दिक्कत नहीं होती, इनफैक्ट मैं तो इसको जब फ़ोन कॉल रिसीव करता हूँ तो एक ही कान पे ऐसे लगा के बात करता हूँ, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत ईजिली बात हो जाती है। और हाँ सही है, बात करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, कॉल की क्वालिटी अच्छी है, सामने वाले को अच्छी ऑडियो भी मिलती है, साउंड भी अच्छा मिलता है, मतलब इसका माइक भी बहुत अच्छा है। इसी के साथ जो इसका ये देखो यहाँ पे ये टच करने के लिए जो ये यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं तो ये भी अच्छे से काम करते हैं। जैसे अगर आप वन प्लस की डिवाइस है तो कुछ एक्स्ट्रा एक ऐप से भी आप कर सकते हो, सेटिंग वगैरह कर सकते हो कि वह सिंगल टैप में क्या करना है, डुअल टैप में क्या करना है। बट मैंने इसमें करके रखा है कि डबल टैप में गाने चेंज हो गए, तो जैसे मैं डबल टैप करता हूँ इमीडिएट गाने चेंज हो जाते हैं। तो मतलब जो काम है ना इसका टच का वो बहुत सही है, जो जेक्चर है वो अच्छे से काम करता है। कहीं से भी मुझे अभी तक 4-5 दिन के यूजेस में लैग नहीं लगा। जैसे इसके पहले आपको पता हो मैंने रियलमी का ईयरबड था मेरे पास, तो उसको अगर मैं गाने सुन रहा हूँ तो हो ही नहीं रहा, तो ये प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अगर आप दो बार मतलब आपको अगर दो बार चेंज करने में गाने चेंज हो रहे हैं तो होंगे ही, ऐसा नहीं है कि लैग हो रहा है यार सही से करो गलत करो, तो वो चीज़ें इसमें मुझे अभी तक फील नहीं हुई। फाइनल मैं बैटरी बैकअप की बात करूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो गाइज मैंने अभी इसका मतलब मैं बताऊँ ऐसा मेरे साथ हुआ ही नहीं कि मैं कंटिन्यू गाने सुनूँ बैटरी बैकअप इसका खत्म हो गया हो। मैं एक बार जब कान पे लगाता हूँ अगर गाने सुनने हैं मुझे तो मैक्स टू मैक्स 1-2 घंटे, वहाँ पे मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई अपना ये डिस्चार्ज हो गया। भाई 20 घंटे पूरे केस की बैटरी बैकअप है, बहुत होता है 20 घंटे, कंटिन्यू आप 20 घंटे नहीं सुन सकते। और कंटिन्यू अगर आप ये ईयरबड्स लगा के सुन रहे हो तो 5 घंटे चलते हैं, 5 घंटे नहीं भी मानोगे तो 4 घंटे मतलब बहुत इजीली चल जाते हैं। तो बैटरी बैकअप में आपको प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं है, साउंड में प्रॉब्लम नहीं है, साउंड में थोड़ा सा आपको बेस कम लग सकता है, बट यार मुझे तो बेस कम नहीं लगा क्योंकि बेस है पर उतना नहीं है, क्योंकि इसका रीज़न ये भी है ना गाइस, इसका जो साउंड है ना एक्चुअल में क्रिस्पीनेस को भी ध्यान रखा गया है। तो जब आप क्रिस्पी वाले साउंड मतलब गाने सुनते हो जहाँ पे एक एक डिटेल को सुनना है तो वहां पे थोड़ा सा बेस 19-20 हो ही जाता है। तो ये है मेरा फाइनल रिव्यू, अभी आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपको 3000 रुपए के अंदर के ईयरबड्स लेने हैं, TWS लेने हैं, तो ये बेस्ट है। 3000 के अंदर मैं ये नहीं बोलूंगा, मतलब 2500-3000 रुपए के बीच में लेने हैं। अगर आप 2000 के अंदर लेना चाह रहे हो तो कुछ ले सकते हो, बट हाँ 2500-3000 रुपए में लेने हैं तो बिल्कुल आप इनको कंसिडर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखते हैं अगर 20-25 दिन 1 महीने यूज करने के बाद कुछ इसमें मुझे नया फील हुआ, कुछ नई प्रॉब्लम लगी या कुछ नया एक्सपीरियंस हुआ, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।